वोरा जेल ब्रेक मामले में बीजेपी की जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बीजेपी ने कैदी की मौत को हत्या करार दिया है। कोरबा जिले के कटघोरा जेल ब्रेक मामले को लेकर बीजेपी की जांच कमेटी ने पार्टी को रिपोर्ट सौंप दी है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस कमेटी में विधायक ननकीराम कंवर सहित कई स्थानीय लेवल के नेता शामिल थे। धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि नई सरकार में कस्टोडियल जेल नया मामला नहीं है, इस पर विराम नहीं लग रहा, नहीं सरकार इसे गंभीरता से ले रही, आने वाले समय में इसे विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं विधायक सौरभ सिंह ने आरोप लगाया पुलिस के अनुसार विचाराधीन कैदी रमेश कुमार अशोक कुमार जेल से भागने का प्रयास कर रहे थे। जेल की 30 फीट ऊंची दीवार फांदते समय गिरने से दोनों घायल हो गए, जिसमें रमेश कुमार की मौत हो गई। सौरभ सिंह का कहना है कि विचाराधीन कैदियों की बैरक की छत से दौड़कर दीवार फांदना असंभव है, क्योंकि बैरक से दीवार की दूरी 30 फीट से ज्यादा होती है। बीजेपी ने कैदी रमेश कुमार की मौत को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि महज सिर्फ यह मौत नहीं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में ये हत्या है और सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार वहाँ के जेलर हैं, वो हैं, और इसके साथ ही जो वहाँ के प्रशासन है, जेल प्रशासन, उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि बीजेपी ने अब इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग राज्य सरकार से की है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।